नाम अतिथि है और यदि वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे? उनकी माने तो वेतन देने के लिए वित्तीय प्रावधानों का प्रायोजन करना पड़ता है। किसने अतिथि शिक्षक नियमित कर के नाम क्या है उनका? अतिथि, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? सर, उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहां पर गैप है, जहां शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों के साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, मेहमान बनकर आएंगे तो क्या कब्जा करेंगे घर में, ये कहना है राव उदय प्रताप सिंह का। ये बड़ा बयान सिद्ध करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, ये जो बयान आया है स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कि अगर अतिथि बनकर आए तो क्या घर में कब्जा करेंगे, उनका ये बयान इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र कर सकता है, हवा दे सकता है? शैलेंद्र, बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अतिथि शिक्षक पिछले दिनों राजधानी भोपाल पहुंचे थे, 10,000 की संख्या में के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक पहुंचे थे, नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। नियमितीकरण की मांग इसलिए भी थी कि तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाई थी सितम्बर 2023 में और ये साफ कहा था कि आने वाली भर्तियों में इनको नियमित किया जाएगा और एक साल का समय बीत जाने के बाद भी जब उनको नियमित नहीं किया गया तो राजधानी की सड़कों पर वो उतरे थे और प्रदर्शन भी किया था। लेकिन जिस तरीके से राव प्रताप ने आज जिस तरीके से दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि अतिथि बनकर आए हैं तो आप घर पर कब्जा ना करें, सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल इन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को जरूर कहा कि अतिथि शिक्षक जो है वो स्कूल शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी जहां उपयोगिता होती है उनका हम उपयोग कर रहे हैं और उनको शिक्षण व्यवस्था में उनको सुचारू रूप से लगातार लगा भी रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण की जो मांग है अब उसको एक तरीके से ये कहा जाए कि सरकार ने एक तरीके से खारिज कर दिया है कि फिलहाल नियमितीकरण की राह पर सरकार बिल्कुल आगे जाने वाली नहीं है। हालांकि एक दौर की जो बात है वो उस प्रदर्शन के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री से हुई थी, उस दौरान भी जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सरकार की तरफ से क्या वादे किए गए थे वो आप भूल जाइए, नई सरकार है, नई सरकार जिस हिसाब से आपको आगे ले जाना चाहती उस हिसाब से आप आगे चलिए। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय प्रावधान करने पड़ते हैं उसके बाद आप नियमित हो सकते हैं। तो ऐसे में अब अतिथि शिक्षक जो लगभग 50,000 की संख्या में पूरे प्रदेश भर में है, जो अगर वर्तमान में बात करूं तो स्कूल शिक्षा की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी भी है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 70,000 स्कूलों में 70,000 जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और ऐसे खाली पदों पर फिलहाल अतिथि शिक्षक ही काम कर रहे हैं और यदि अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार की तरफ से इस तरह के बयान आएंगे तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को आगे आने वाले समय में और उग्रता देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह बयान जो सामने आया है, क्योंकि पहले जो बातचीत हुई थी उसमें था कि शायद आगे चलकर सरकार के बारे में कुछ सोचे, लेकिन जब स्कूल शिक्षा मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं कि अतिथि बनकर आए हो तो कब्जा नहीं करोगे, कब्जा करोगे क्या, तो इससे सीधे तौर पर ही समझा सकता है कि फिलहाल नियमितीकरण की मांग जो है वो उनकी केवल मांग ही है, उस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, और इस तरीके के बयान के बाद से जो प्रदर्शन वो और ज्यादा उग्र होगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही ये पूरी खबर सामने आई है, अतिथि शिक्षकों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि उनका पहलू जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अगर इस तरीके का बयान स्कूल शिक्षा मंत्री का आएगा तो निराशा भी होगी और गुस्सा भी होगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से लगातार अतिथि शिक्षक जो है वो सरकार के कहने के बाद ही वो अनियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था, उनसे वादा किया गया था कि आने वाले समय में उनको नियमित किया जाएगा, यानी शिक्षक जो भर्तियां होंगी। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अतिथि शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की और अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री का ये बयान है कि अतिथि बनकर आए हैं तो घर में कब्जा करेंगे क्या, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, ये सिवाय दंभपूर्ण बात के कोई बात नहीं है। कोई भी देश का आदमी, कोई भी प्रदेश का आदमी, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी कर्मचारी हो, सरकार से कुछ भी मांग कर सकता है। और उसको इस तरह से हिकारत की दृष्टि से बोलना कि मेहमान है तो मेहमान बन के रहो,
अरे वो मेहमान इस देश के थोड़ी है जी, मैं आपके आपके नागरिक हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके द्वारा दी गई नियुक्ति के हिसाब से अतिथि शिक्षक हैं। अगर वो नियमित करने का मांग करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ठीक से बोल तो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कम से कम उनको अपने जो बयान है उन पर तो ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के बयान दिए जा रहे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि अतिथि शिक्षक जो कि लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इस मांग के बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये तो वाकई में एक निराशाजनक बयान भी कहेंगे आप, गुस्से वाला बयान भी कह सकते हैं। अतिथि शिक्षकों का कोई रिएक्शन सामने आया क्या इस बयान के बाद से? देखिए, अभी तक अतिथि शिक्षकों का रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि सीधे तौर पर ये शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि शिक्षक जो है उनका समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है, और अगर वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने उनसे चुनाव के पहले वादा किया था, और उनसे वादा जब किया था तो उनके वोट आपने हासिल कर लिए, और जब उनको नियमितीकरण करने की बात आई तो आप उनको इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। यानी गुरु का अपमान जो है वो सीधे तौर पर सरकार कर रही है, आरोप जो है वो कांग्रेस का है। हालांकि नियमित अभी जो अति शिक्षक है उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। निश्चित तौर पर जब प्रदर्शन भी हुआ था तब भी उनकी लगातार ये मांग थी कि नियमितीकरण की मांग जो है वो उनकी लगातार जारी रहेगी और आने वाले समय में इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा जब वो सड़कों पर उतरे थे तो लगभग 7 से 8 हजार की संख्या में अति शिक्षक थे, सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया था। उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आई थी, चाहे उमंग सिंघार की बात हो या तमाम जो बड़े नेता है वो उनके समर्थन में पहुंचे थे। और हालांकि एक दौर की बातचीत हुई थी तो ये माना जा रहा था कि ये आंदोलन थोड़ा सा शांत होगा और आने वाले समय में हो सकता है इनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटीज आने वाले भर्तियों में दी जाए। लेकिन अब स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आया है, उससे अब साफ लग रहा है कि अति शिक्षक आने वाले समय में जल्दी कोई उग्र प्रदर्शन फिर से करने वाले हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब अतिथि शिक्षकों का